वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ करते हुए। स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज की मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स, मिसाल के तौर पर प्रिंसिपल फोकस, उनके पोल, उनके प्रिंसिपल एक्सिस को हम काफ़ी डिटेल से कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेक्चर्स में समझ चुके हैं, तो आप उन कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेक्चर्स में ये ज़्यादा डिटेल से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि कन्वेक्स लेंस इस तरह का लेंस होता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, कि दरमियान से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। तो दूर पड़ी हुई चीज़ों की तरफ से जब लाइट रेज इस लेंस की तरफ आती हैं, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल होती हैं, वो इस लेंस में से गुजरने के बाद एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज होती हैं, यानी कि उस पॉइंट पे जाके मिलती हैं, और उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। अब लेंस के एक्सिस यानी कि दरमियान से लेके प्रिंसिपल फोकस तक की जो लेंथ होती है उसे फोकल लेंथ कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस प्रैक्टिकल में यही फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या अपरेटस चाहिए होगा प्रैक्टिकल करने के लिए, फिर इस प्रैक्टिकल को करने का प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, जिसके दौरान में हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे और जब उनकी मदद से कैलकुलेशंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या आई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या अपरेटस चाहिए होगा ये प्रैक्टिकल करने के लिए। सबसे पहले हमें डस्टर चाहिए होगा, यानी कि कॉटन का कपड़ा चाहिए होगा, ताकि उसकी मदद से हम लेंस को साफ कर लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक कॉन्वेक्स लेंस, साथ ही साथ हमें लेंस के लिए लेंस होल्डर चाहिए होगा, ताकि उसके अंदर हम लेंस को फिक्स कर देंगे, ताकि वो प्रैक्टिकल के दौरान अपनी जगह से ना हिले। इसके अलावा हमें नीडल्स चाहिए होंगी और साथ ही साथ उनके अपराइट्स चाहिए होंगे, ताकि उन अपराइट्स में हम उन नीडल्स को फिक्स कर देंगे। और इनके अलावा हमें चाहिए होगा एक ऑप्टिकल बेंच। तो इसके बाद अब हम प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को रफली फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि लेंस से दूर पड़ी हुई एक चीज़ की तरफ से जब लाइट रेज इस लेंस की तरफ आती हैं, तो उस चीज़ का इमेज इस लेंस की फोकल लेंथ, सॉरी, प्रिंसिपल फोकस पे बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दूर से लाइट रेज आ रही हैं और फिर उनकी वजह से जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस प्रिंसिपल फोकस पे एक चीज़ रखते हैं, जैसे कि बोर्ड जिसके ऊपर हम ये इमेज हासिल करें, तो उस बोर्ड और इस लेंस के दरम्यान में अगर हम डिस्टेंस मालूम कर लें, तो हमें रफली फोकल लेंथ पता चल जाएगी कि फोकल लेंथ इसकी क्या है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कॉन्वेक्स लेंस को उसके स्टैंड में लगाया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खिड़की में से एक दरख्त नजर आ रहा है, जिसको हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक बोर्ड ले लेंगे, ठीक है, और इस कन्वेक्स लेंस की मदद से उस वुडन बोर्ड के ऊपर इस दरख्त का इन्वर्टेड इमेज हासिल करेंगे, जो कि आप यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मैग्नीफाई होके, बड़ा होके यहाँ पे नजर आ रहा है कि इस बोर्ड पे किस तरह का इमेज बन रहा है इस दरख्त का। अब हम कॉन्वेक्स लेंस को आगे पीछे मूव करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे ये इमेज हमें ब्राइट नजर आता है। जहाँ पे हमें इमेज ब्राइट नजर आएगा, वहां पे हम इसको रोक लेंगे, और फिर इस बोर्ड और इस कन्वेक्स लेंस के दरम्यान में हम डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, जो कि हमारे पास रफ फोकल लेंथ होगी। तो इस रफ फोकल लेंथ को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, जो कि मेरे पास आई है 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम ब्रीफली एक एनिमेशन के जरिए से समझते हैं कि हम इस प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, कि सबसे पहले हम ऑप्टिकल बेंच लेंगे और उसके ऊपर हम लेंस को उसके स्टैंड में यूं लगा के रख देंगे। अब हमने एक नीडल को इस लेंस से इतने फासले पे रखना है कि जितनी इस लेंस की रफ फोकल लेंथ हमारे पास आई है, उसके 1.5 टाइम्स के डिस्टेंस पे हमने इस नीडल को इस लेंस से दूर रखना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास रफ फोकल लेंथ आई है इस लेंस की 12 सेंटीमीटर, तो 1.5 को 12 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें तो 18 सेंटीमीटर आता है। इसका मतलब ये है कि हमने इस नीडल को इस लेंस से 18 सेंटीमीटर दूर फासले पे रखना है। अब इसके बाद हमें इस नीडल का इस लेंस की मदद से एक इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे नजर आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नीडल का इमेज आ रहा है। अब इस इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इमेज नीडल को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि दूसरी नीडल को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये इमेज नीडल है। अब हम इसको आगे पीछे मूव करते हुए देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास इमेज नीडल
और ऑब्जेक्ट नीडल के इमेज के दरमियान में पैरेलेक्स रिमूव हो रहा है। तो जहाँ पे पैरेलेक्स रिमूव होगा यानी कि इस इमेज और इस नीडल की टिप्स आपस में मिलेंगी, तो वो पोजीशन हम नोट कर लेंगे और उसके ज़रिए से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट नीडल का इमेज कहाँ पे बन रहा है। अब ये तो हमने किया था कि जो हमारे पास पहली नीडल थी उसके इमेज की पोजीशन हमने फाइंड आउट की थी। अब हम क्या करेंगे कि अब हम दूसरी वाली नीडल के इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम इस लेंस को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि दूसरी वाली नीडल जिसको मैंने इमेज नीडल का नाम दिया था उसकी तरफ मूव करेंगे, ताकि हम देख सकें कि अब हमारे पास जो दूसरी नीडल यानी कि इमेज नीडल है उसकी इमेज की पोजीशन हमारे पास कहाँ पे बन रही है। तो हम वही प्रोसेस दोहराएंगे जैसे कि हमने पहले दोहराया था, और सेकंड नीडल के इमेज और पहली नीडल के दरमियान में हम पैरेलेक्स रिमूव करेंगे और इस पोजीशन को फिर नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम नीडल को लेंस से 1.5 टाइम्स फोकल लेंथ के फासले पे रखेंगे, तो मैं आपको बताती चलूँ कि वो क्यों रखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट नीडल को प्रिंसिपल फोकस और लेंस के सेंटर के दरम्यान में रखेंगे, तो उसका इमेज हमारे पास वर्चुअल बनेगा, यानी कि उसकी पोजीशन को हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये पोजीशन फिर ठीक नहीं रहती कि हम इस पोजीशन पे नीडल को रखें। इसके अलावा अब हमारे पास तीन पोजीशंस रह जाती हैं जिन पे हम नीडल को रखने का सोच सकते हैं। एक तो वो जगह कि अगर हम प्रिंसिपल फोकस से थोड़ी दूर रखते हैं ऑब्जेक्ट नीडल को, फिर दूसरी पोजीशन ये कि अगर हम 2F की पोजीशन पे रखें नीडल को, और तीसरी पोजीशन वो कि अगर हम 2F से ज़्यादा फासले पे नीडल को रखें। लेकिन आप इन तीनों तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमारे पास इन तीनों केसेस में जो फर्स्ट केस है कि जब हमने प्रिंसिपल फोकस से थोड़े से ज़्यादा फासले पे रखा है नीडल को, तो तब हमारे पास उसका मैग्नीफाइड इमेज बना है। लेकिन बाकी दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैग्नीफाइड इमेज नहीं बन रहा। इसलिए जो हमारे पास ये वाली पोजीशन है यानी कि प्रिंसिपल फोकस से थोड़े से ज़्यादा फासले पे हमने नीडल को रखा है, ये पोजीशन ठीक है, ताकि इस मैग्नीफाइड इमेज की पोजीशन को हम बआसानी इमेज नीडल की मदद से देख सकें कि इस इमेज की हमारे पास पोजीशन क्या बन रही है। अब इसके बाद हमने प्रैक्टिकल को स्टार्ट किया है कि हमने ऑप्टिकल बेंच के ऊपर लेंस और नीडल को रख दिया है। अब यहाँ पे हमने ध्यान ये रखना है कि जो हमारे पास नीडल है उसकी टिप और जो हमारे पास लेंस का सेंटर है, ये दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे मौजूद हों। और दूसरा ये कि ये नीडल और ये लेंस बिल्कुल सीधे हों यानी कि टेढ़े ना हों। इसके बाद हम दूसरी नीडल को भी रखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास इस ऑब्जेक्ट नीडल के इमेज और इस इमेज नीडल के दरम्यान में पैरेलेक्स रिमूव होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इन्वर्टेड इमेज तो बन रहा है, लेकिन ये दोनों अभी बिल्कुल सीध में नहीं है यानी कि बिल्कुल वर्टिकली अलाइन नहीं है। तो उसके लिए हम इस ऑब्जेक्ट नीडल की जगह को चेंज करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा ऊपर की जानिब करेंगे, ताकि इन दोनों नीडल्स की जो टिप्स हैं वो मैच कर जाएं यानी कि कोइंसाइड कर जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम बाएं से दाएं की जानिब अपनी नज़र को ले जा रहे हैं, तो अभी भी इनकी टिप्स इकट्ठे नहीं मिल रही। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट नीडल को आगे पीछे मूव करेंगे, साथ ही लेंस को भी आगे पीछे मूव करेंगे कि कहाँ पे हमारे पास ये पैरेलेक्स रिमूव होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास पैरेलेक्स रिमूव हो गया है, कि इन दोनों की टिप्स मिली हुई हैं। जहाँ पे पैरेलेक्स रिमूव हुआ है तो उन पोजीशंस को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल की पोजीशंस जिनको मैंने ओ और आई से डिनोट किया है वो मेरे पास आई हैं 25.8 सेंटीमीटर और 74.3 सेंटीमीटर। इसी तरह से जहाँ पे हमारे पास लेंस पड़ा हुआ था उसकी पोजीशन को भी मैंने फर्स्ट पोजीशन के तौर पे नोट किया है, जिसे मैंने L1 से डिनोट किया है और वो है 50.2 सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल है इनके दरम्यान में डिस्टेंस को कैलकुलेट किया आई माइनस ओ के जरिए से, जिसको मैंने डी से डिनोट किया है जो कि आया है 48.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमने ये करना है कि लेंस को इमेज नीडल की तरफ लेके जाना है और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास इमेज नीडल का इमेज और ऑब्जेक्ट नीडल के दरम्यान में पैरेलेक्स कहाँ पे रिमूव होता है, यानी कि अब हम सिर्फ लेंस को मूव करेंगे। तो जहाँ पे
इमेज नीडल के इमेज और ऑब्जेक्ट नीडल के दरम्यान में पैरेलेक्स रिमूव होगा। हम लेंस की उस पोजीशन को मेयर कर लेंगे जो कि मेरे पास सेकंड पोजीशन के तौर पे यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको मैंने L2 से डिनोट किया है और वो है 54.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट एक्स को कैलकुलेट कर लेंगे जो कि है L2 माइनस L1 जो कि मेरे पास आया है 4.3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है F=D² - X² / 4D, जिसमें मैंने वैल्यूज पुट की तो मेरे पास जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू आती है 12 सेंटीमीटर। अब इसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करते हुए, जिसमें मैंने नीडल्स को मुख्तलिफ पोजिशंस पे रखा और इसी तरह से लेंस को भी मुख्तलिफ पोजिशंस पे रखा, मेयरमेंट्स ली, तो मेरे पास जो मेयरमेंट्स आई हैं उनको मैंने यहाँ पे टेबल में लिखा है और रिजल्ट में मेरे पास जो फोकल लेंथ आई है वो आई है 12.2 सेंटीमीटर। इसी प्रोसेस को थर्ड टाइम भी रिपीट किया तो मेरे पास एंड में फोकल लेंथ आ रही है 11.9 सेंटीमीटर। जिसके बाद मैंने इन तीनों वैल्यूज का मीन लिया, यानी कि इनको ऐड किया और 3 से डिवाइड किया, तो मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस की मीन फोकल लेंथ आ जाती है जो कि आ रही है 12.0 सेंटीमीटर। जिसके मुताबिक हमें पता चलता है कि जो हमने कॉन्वेक्स लेंस की रफली फोकल लेंथ फाइंड आउट की थी वो भी हमने सही से फाइंड आउट की थी, क्योंकि हमारे पास एंड रिजल्ट में तकरीबन वही वैल्यू आ रही है फोकल लेंथ की। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड आउट किया है डिस्प्लेसमेंट मेथड के जरिए से।